अब हमारा सेकंड एग्जांपल है लेडर इफेल्स का कि हमें परसेंटेज निकालनी है फाइव सब्जेक्ट्स मार्क्स की। प्रोग्राम टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ फाइव सब्जेक्ट्स मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट। अब हमें पता है कि अगर परसेंटेज की वैल्यू 65 या उससे ग्रेटर है तो स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन में पास होगा। अगर उसकी परसेंटेज 50 और 64 के बीच में है, 50 और 64 मतलब उसकी परसेंटेज लेस देन 65 हो, एंड मतलब ये भी ट्रू होना चाहिए कि उसकी 65 से कम होनी चाहिए और 50 से ग्रेटर होना चाहिए, तो हम इसको क्या कहेंगे, सेकेंड डिवीजन से पास हुआ है। और अगर उसकी परसेंटेज 35 और 49 के बीच में है तो वो थर्ड डिवीजन से पास हुआ है, और अगर 35 से लेस देन है तो वो फेल हुआ है। तो अब स्टूडेंट क्या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फेल सभी हो सकता है क्या? नहीं, या तो वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ होगा, या सेकेंड से, या थर्ड से, या फेल हुआ होगा। तो तीनों में से कोई एक ही चीज़ हुई होगी, चारों में से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फेल में से। तो यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं और जो आउटपुट मिलना है वो एक ही होना है, तो इसीलिए यहाँ क्या यूज़ होगा, लेटर ऑफ फेल्स का। तो हमने यहाँ पर फिर से वही लिखा, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच, वॉइड मेन सी एल आर एस सी आर। अब मुझे वेरिएबल्स कितने बनाने पड़ेंगे, फिजिक्स के मार्क्स स्टोर करने के लिए पी, मैथ्स के लिए मैंने एम बना लिया, केमिस्ट्री के लिए सी, हिंदी के लिए एच, इंग्लिश के लिए ई। टोटल निकालना होगा तो एक टोटल वेरिएबल बना लिया, एक मैंने परसेंट निकालने के लिए फ्लोट, क्योंकि पॉइंट्स में भी परसेंटेज हो सकती है। स्क्रीन पे मैं मैसेज देना चाहती हूँ, एंटर मार्क्स ऑफ फाइव सब्जेक्ट्स, ये मैंने सी आउट में लिख लिया। अब जो भी पांच सब्जेक्ट आप एंटर करोगे, पहला पी में स्टोर हो जाएगा, दूसरा एम में, फिर सी में, फिर एच में, फिर ई में। तो ये हो गया हमारा इनपुट। अब कैलकुलेशन हमारा क्या है, हमें टोटल निकालने के लिए फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स को ऐड करना होगा। और परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिवाइडेड बाय, क्योंकि पांच सब्जेक्ट हैं और सभी 100-100 के हैं, ये हो जाएगा 500। और 500.0 क्यों लिखा है हमने, क्योंकि हमें आंसर पॉइंट्स में चाहिए, इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला हो गया टोटल बाय 500 इंटू 100, परसेंटेज का फॉर्मूला। और परसेंटेज इक्वल्स टू, हमने परसेंट की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, परसेंटेज के लिए जो वेरिएबल है वो हमारा परसेंट है, तो परसेंटेज इक्वल्स टू परसेंट की वैल्यू जो भी आई होगी वो प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पे। अब हमने क्या लिखा, इफ़ परसेंट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 65, अगर उस स्टूडेंट की परसेंटेज 65 या उससे बड़ी वैल्यू होगी तो हम उससे क्या कहेंगे, स्क्रीन पे हम प्रिंट करवा देंगे फर्स्ट डिवीजन। लेकिन अगर उसकी वैल्यू 65 से छोटी है, ग्रेटर नहीं है, तो उस केस में कौन से आ जाएंगे, एल्स पे। इसमें क्या चेक होगा, फिर से कंडीशन कि क्या उसकी परसेंटेज लेस देन 65 है एंड क्या उसकी परसेंटेज ग्रेटर देन 50 है, यानी उसकी परसेंटेज 50 से लेकर 64 के बीच में है क्या। तो 50 से 64 को हम क्या लिखेंगे, इफ़ परसेंट लेस देन 65, तो अगर परसेंटेज लेस देन 65 है एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50। एंड क्यों यूज़ किया, क्योंकि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, उसकी वैल्यू 65 से छोटी होनी चाहिए और 50 से बड़ी होनी चाहिए, उस केस में सेकेंड। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम फिर से एक कंडीशन लेंगे कि अगर उसकी परसेंटेज लेस देन 50 है एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 है, मतलब 35 से लेकर 49 है, तो किससे पास हुआ है वो, थर्ड डिवीजन। तो हम स्क्रीन पे लिख देंगे सी आउट, तब स्क्रीन पे क्या लिखाएगा, थर्ड डिवीजन। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या आएगा, फेल। तो अब अगर हम देखें तो सपोज मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो आएगा एंटर मार्क्स ऑफ फाइव सब्जेक्ट्स, मैंने दे दिया 50, 40, 70, 80, 40, तो परसेंटेज कितनी आ गई, 56 मतलब सेकेंड डिवीजन, ठीक है। तो 56 मतलब वो किस में ट्रू आया होगा, परसेंटेज की वैल्यू क्या आई है, 56। तो यहाँ पर क्या चेक हुआ होगा, क्या 56 ग्रेटर देन 65 होता है, नहीं। फॉल्स हुआ तो हम एल्स पे पहुँच गए, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो जाती तो लिखा था फर्स्ट डिवीजन, लेकिन ये तो गलत हो गई कि जो 56 होता है वो 65 से बड़ा नहीं होता है, तो एल्स पे आ जाएगा। फिर क्या चेक करेगा, क्या 56 65 से छोटा होता है, हाँ। क्या 56 50 से बड़ा होता है, यस। तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई तो आंसर क्या आएगा, सेकेंड डिवीजन। तो 56 पे वो किससे पास हुआ है, सेकेंड डिवीजन से, ठीक है। अब ये 56 कैसे आ पाई, अगर हम यहाँ पर अगर ऐसा लिखते ना टोटल बाय 500 तो परसेंट होती 0 और आंसर आता फेल, ठीक है। क्यों ऐसा आता है, मैंने आपको टाइप कास्टिंग में बताया था कि इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते तो आंसर इंटीजर आता है,
इधर आया था 0.56 का क्या हो जाता, 0 0 into 100, तो 0 आ जाता। तो आपको यहाँ 500.0 लिखना कंपलसरी है अगर आपके ये मार्क्स इंटीजर हैं। अगर इसको फ्लोट किया होता तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये फ्लोट होता, फ्लोट बाय इंटीजर फ्लोटी वैल्यू आती। तो यहाँ टाइप कास्टिंग हमने की है क्योंकि हमने नंबर्स को इंटीजर बनाया। तो अगर सपोज मैंने इनपुट दिए होते मार्क्स 10, 20, 30, 40, तो परसेंटेज कितनी है 26, तो कैसे चेक होता, क्या 26 ग्रेटर देन 65 होता है? नहीं। तो हम यहाँ आ गए, क्या 26 लेस देन 65 होता है? हाँ। क्या 26 ग्रेटर देन 50 होता है? नहीं। तो एक सही है एक गलत है, तो भी आंसर क्या आएगा? नो, ये नहीं चलेगा, ये दोनों सही होने चाहिए थे। तो ये तो गलत हो गया, 26 ग्रेटर देन 50 नहीं होता है। तो हम एल्स पे पहुंच गए, क्या 26 लेस देन 50 होता है? यस। क्या 26 ग्रेटर देन 35 होता है? नो। तो ये यस और नो, तो आंसर इज नो, क्योंकि एक भी गलत हो गया दोनों में से, तो गलत। हम एल्स पे पहुंच गए, क्या लिखाएगा? फेल। आंसर क्या है? वैसे ही अगर हमने 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स 1, 2, 3, 4, 5 दिया तो परसेंटेज कितनी आई? 3। तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? लास्ट वाला, फेल आएगा।